नमस्कार दोस्तों, हड्डी अगर आपकी टूट गई है तो कौन से तेल से मालिश करें, क्या मालिश करने से क्या फायदा होता है और कौन सा तेल लगाएं, अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल है। एक्चुअली हम लोग तो तेल लगाने के लिए बहुत सारे मरीज को मना करते हैं लेकिन मरीज बहुत सारे पूछते हैं, तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेनर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आई एम प्राउड फादर ऑफ टू सन एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। हड्डी टूट गया, एक तो पहला चीज कि जब आपका दो चीज होगा, हड्डी टूटेगा तो या तो आपका ऑपरेशन होगा चाहे प्लास्टर लगेगा। प्लास्टर लगेगा तो वहां पे भी तेल आप हाथ लगा सकते हो, तो प्लास्टर लगा हुआ है। ऑपरेशन भी हुआ है तो वहां पे भी आप तेल नहीं लगा सकते, तेल लगाएंगे तो वहां पे गंदगी बैठती है और हो सकता है कि इन्फेक्शन हो सके। तो वहां पे मेन है कि सर सफाई रखे, गंदा ना रखे ऑपरेशन की जगह पे। तो शुरू शुरू के कुछ दिन तो आप तेल लगा ही नहीं सकते हैं जब तक या तो प्लास्टर लगा हुआ है या मिनिमम जो समय लगता है हड्डी जुड़ने, क्योंकि जब आप तेल लगाएंगे तो हिलाए डुलाएंगे और हड्डी जुड़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हिले डुले रहेंगे, एक जगह रहे। लेकिन एक बार हड्डी जुड़ गई, हड्डी जुड़ जाने के जुड़ भी जाती है तो ऐसा नहीं कि हड्डी जुड़ गई तो तुरंत आप अच्छा हो जाएंगे। हड्डी जुड़ गई रहती है लेकिन पूरा ज्वाइंट जाम हो गया रहता है, पूरा ज्वाइंट जाम हो गया रहता है, हिलता डुलता नहीं है, मांसपेशियां शिथिल हो गई रहती है, मांसपेशियां कमजोर हो गई रहती है, कितना बार जकड़न हो गया रहता है हाथ, मैंने अगर फ्रैक्चर हुआ है हड्डी जुड़ गया लेकिन सीधा नहीं हो रहा, तो वैसे वो भी ठीक होने में लगभग, अगर मान लीजिए कि जैसे आप, मेरा बहुत सारा वीडियो है आप देख भी सकते हैं कितना समय लगता है अगर, और हर हड्डी के लिए अलग अलग समय है, आप मेरे पुराना वीडियो जाके उसमें देख भी सकते हैं कि कितना समय लगता है। अगर हड्डी जुड़ गई उसके बाद से इसको फ्री होने में भी लगभग जितना समय जुड़ने में लगा है उतना ही समय लग जाता है नॉर्मली, तो उस समय में क्या करें, तो उस वक्त एक्सरसाइज करना रहता है और उस वक्त थोड़ा मसाज का, उस वक्त मालिश का, उस वक्त तेल का थोड़ा इंपॉर्टेंस है, शुरू शुरू में तो नहीं है बिल्कुल। तो तेल कौन लगाएं, तो तेल कोई ऐसा नहीं है कि ये तेल लगाएं ये तेल नहीं लगाएं, जैतून का तेल लगाएं, जैतून का तेल बहुत ही कॉमन है कि कौन सा, कोई भी तेल यूज कर सकते हैं लेकिन कुछ प्रिकॉशंस है जिसको रखना है। एक तो कि आराम से तेल, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती नहीं कर देना है, आराम से करना है। इसमें कोई भी तेल, ये तेल वो तेल, सब तेल एक ही जैसा है, तेल तेल है, थोड़ा सा गर्म करके, थोड़ा हल्का गर्म करके और उसको मसाज करने से मसल में सूदिंग होता है, मसल रिलैक्स होता है, मसल में के सोरनेस है वो कम होती है, तो ये थोड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन जबरदस्ती तेल नहीं लगा देना है, जोर से नहीं कर देना है, मालिश नहीं कर देना है, कितना बार जोर से मालिश, खास करके केहनी में मालिश कर देने से परमानेंट जाम हो जाता है। आराम से कर सकते हैं, हल्का तेल लगा सकते हैं। इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि कोई स्पेसिफिक कोई तेल नहीं है, जो आपको इजिली मिल जाता है, सरसों का तेल मिल जाता है, नारियल का तेल मिल जाता है या फिर जैतून का तेल मिल जाता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक तेल ऐसा नहीं है कि ये तेल आप लगाएंगे तो जल्दी ठीक होगा और ये तेल लगाएंगे तो जल्दी समय नहीं होगा। लेकिन ये प्रिकॉशंस जरूर रखना है कि बहुत माने विगरस मालिश नहीं कर देना है, क्योंकि ये मालिश करना भी एक साइंस है और गांव में बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं मालूम होने से, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जोर से मालिश कर देने से तकलीफ भी बढ़ जाती है, तो इसका ध्यान रखना है। मुझे आशा है कि आपके सारे सवालों का इसमें जवाब मिला होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई सवाल है तो जरूर कमेंट में दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। थैंक यू, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।